हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कंडीशंस एंड वारंटीज कितने टाइप्स की होती है एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले बात करते हैं काइंड्स ऑफ कंडीशंस या वारंटीज की। तो देखिए, कंडीशंस एंड वारंटीज जो होती हैं ये दो टाइप्स की होती है, एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज या फिर इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। एक्सप्रेस वो होती हैं जो कि हमने, यानी कि बायर और सेलर ने एक्सप्रेस कर दिया ईदर थ्रू रिटन वर्ड्स और स्पोकन वर्ड्स, या तो बता के या फिर लिखकर कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये कंडीशंस या ये वारंटीज होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बायर वॉच परचेज करने जाता है और उसने बोला कि सर मुझे ऐसी वॉच चाहिए जो कि वाटर प्रूफ हो, तो यानी कि उसकी कंडीशन है जो कि उसने एक्सप्रेस कर दी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये वाली कंडीशन तो होनी ही चाहिए। सो दिस इज़ एन एक्सप्रेस कंडीशन। सेकंड होता है इम्प्लाइड कंडीशंस या इम्प्लाइड वारंटीज़। अब ये जो कंडीशंस या वारंटीज़ होती हैं ये पार्टीज़ नहीं बताती कि होनी चाहिए, लेकिन या तो हम इन्हें पार्टीज़ के कंडक्ट से पता कर लेते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, या फिर लॉ जो है वो ऑटोमेटिकली एक ऑब्लिगेशन लगा देता है सेलर पर कि अगर तुम कोई गुड्स को सेल कर रहे हो बायर को तो तुम्हारे गुड्स में ये कंडीशंस या ये जो वारंटीज़ हैं ये होनी चाहिए, और अगर ये कंडीशंस या वारंटीज़ नहीं होती तो फिर हम बायर को एक ऑप्शन देंगे कि वो उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कंडीशन या फिर ब्रीच ऑफ वारंटी मान के कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट भी कर सकता है या फिर उसको डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। सो इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटीज़ कौन सी हो गई, जो कि लॉ कन्फर करता है, एक ऑब्लिगेशन लगाता है ऑन द सेलर। अब देखिए, जो एक्सप्रेस कंडीशन या एक्सप्रेस वारंटीज़ होती है ये लॉ हमें नहीं बताता कि कौन कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर, तो उनकी मर्जी है, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरीके की कंडीशन लिखवा सकते हैं और किसी भी तरीके की वारंटी लिखवा सकते हैं अगर वो लॉफुल है। तो लॉ हमें बताता है कि इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटीज़ कौन कौन सी है जो कि लॉ अपने आप से इन्फर करता है इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो हमें वही स्टडी करनी है कि इम्प्लाइड कंडीशंस कौन कौन सी है और इम्प्लाइड वारंटीज़ कौन कौन सी है। पहले बात करते हैं कि इम्प्लाइड कंडीशंस कौन कौन सी है। तो इम्प्लाइड कंडीशन में सबसे फर्स्ट है कंडीशन एस टू टाइटल। अब ये कंडीशन कहती है कि जो भी पर्सन गुड्स को सेल कर रहा है, यानी कि सेलर, तो यहाँ पे वो हम अज्यूम कर सकते हैं कि अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, तो वहाँ पे सेलर के पास राइट है उन गुड्स को सेल करने का, और अगर अग्रीमेंट टू सेल है यानी कि गुड्स की जो ओनरशिप है वो फ्यूचर में ट्रांसफ़र होने वाली है, तो जो भी पर्सन उन गुड्स को सेल करेगा उसके पास वो राइट आ जाएगा उन गुड्स को सेल करने का। हो सकता है जो गुड्स है अभी सेलर ने प्रिक्योर नहीं किए हैं, अभी उसने मैन्युफैक्चर नहीं किए, लेकिन जब वो मैन्युफैक्चर कर लेगा या फिर मार्केट से एक्वायर कर लेगा तो उसके पास उन गुड्स का टाइटल आ जाएगा और फिर वो उन गुड्स का जो टाइटल है वो बायर को पास ऑन कर देगा। तो अगर सेल की बात करें तो अभी उसके पास राइट है टू सेल द गुड्स, और अगर अग्रीमेंट टू सेल है तो उसके पास, सेलर के पास राइट आ जाएगा इन फ्यूचर। तो यहाँ पे कंडीशन है कि सेलर जो है उसके पास टाइटल है कि वो गुड्स को सेल कर सकता है टू द बायर। लेकिन अगर जो सेलर का टाइटल है वो डिफेक्टिव हुआ, तो यानी कि सेलर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है गुड्स को सेल करने की, ना तो वो उन गुड्स का ओनर है और ना ही वो ओनर का एजेंट है जो कि ओनर के बिहाफ पे गुड्स को सेल कर रहा है, तो यानी कि जो पर्सन गुड्स को सेल कर रहा है उसका जो खुद का टाइटल है वही डिफेक्टिव है, तो बायर के पास क्या रेमेडी है। तो लॉ कहता है कि बायर को उस केस में गुड्स को रिजेक्ट कर देना चाहिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करके गुड्स को रिजेक्ट करने का राइट है, और जो भी अमाउंट अगर उसने पे किया है तो वो उसे रिफंड क्लेम कर सकता है फ्रॉम द सेलर। और यहाँ पे अगर कोई उन गुड्स का ट्रू ओनर आ जाता है गुड्स को क्लेम करने के लिए कि ये गुड्स तो मेरे हैं, ये तो सेलर ने चोरी किए थे मेरे पास से, तो यहाँ पे बायर की ड्यूटी भी है कि वो सेलर, जो भी उसका ट्रू ओनर है, उनको गुड्स रिटर्न करें और सेलर से अपना जो भी अमाउंट बनता है वो क्लेम करें। सो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन, दैट इज़ कंडीशन एज टू टाइटल। अब देखिए, इस कंडीशन को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, केस लो है ये, रॉलैंड वर्सेज डिवेल का, जो कि 1923 का केस है। यहाँ पे जो आर होती है वो एक कार परचेज करती हैं डी से और उसे काफ़ी मंथ तक यूज़ करती रहती हैं, लेकिन डी के पास कोई टाइटल नहीं था कार का। तो यहाँ पे जैसे ही ट्रू ओनर आर के पास जाता है कि ये कार तो मुझे, मेरी है, आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर जो है उन्हें उस कार को रिटर्न करना पड़ता है टू द ट्रू ओनर, और आर उस डी को, यानी कि जिस जो कि फेक सेलर था जो कि प्रिटेंड कर रहा था कि ये कार मेरी है, उसको सीयू करती हैं कोर्ट में, और जो भी प्राइस उन्होंने पे किया था उस कार का वो सारा उनसे रिफंड लेती हैं। और अगर उन्होंने कोई रिपेयरिंग वगैरह का भी एक्सपेंस उस कार पे इनकर किया था उन टाइम पीरियड में, तो वो उस रिपेयरिंग एक्सपेंस को भी क्लेम कर सकती है फ्रॉम द डी। सेकेंड कंडीशन है कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, यानी कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर अगर कोई सेलर गुड्स को डिस्क्राइब करता है
चाहे वो उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हो, चाहे उनकी साइज़ के रिस्पेक्ट में, चाहे उसकी डायमेंशन के रिस्पेक्ट में, या फॉर एग्जांपल कई बार सेलर जो है वो डिस्क्राइब करता है कि ये कोल्हापुरी चप्पल है, ये जो है बनारसी साड़ी है, ये कश्मीरी आलू है, ये बॉम्बे का टमाटर है, और ये जो है आगरे का पेठा है। तो यानी कि अगर सेलर गुड्स को डिस्क्राइब करता है किसी पर्टिकुलर क्वालिटी के अकॉर्डिंग या उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग, उसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग, तो जो गुड्स वो हमें सेल करता है वो उस डिस्क्रिप्शन के करस्पॉन्ड होने चाहिए, यानी कि उस डिस्क्रिप्शन से मैच खाते होने चाहिए। अब उसने मुझे बोला कि कश्मीरी आलू है, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च है, लेकिन वो कश्मीरी लाल मिर्च है ही नहीं जो वो मुझे देता है। तो यहाँ पे जो होगा वो मान लिया जाएगा कि देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, और अगर वो गुड्स उसके डिस्क्रिप्शन के करस्पॉन्ड नहीं निकलते तो यहाँ पे बायर के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, और जो भी प्राइस उसने पे किया होता है वो उसे क्लेम कर सकता है, रिफंड क्लेम कर सकता है उन गुड्स का। थर्ड है कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल, यानी कि अगर जो हमारा सेल हो रही है गुड्स की वो सैंपल के थ्रू हो रही है, यानी कि पहले बायर को गुड्स दिखाए जाते हैं, उसका सैंपल दिखाया जाता है कि जो भी राइस आप ले रहे हैं वो इस क्वालिटी के होंगे, इस साइज़ के होंगे, या फिर अगर आप कोई शूज़ वगैरह लेते हैं बल्क में तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि सर ये सैंपल शूज़ है, आप इसको देख लीजिए और फिर आप पसंद कर लीजिए। तो जो भी गुड्स बायर परचेज करता है वो सैंपल के करस्पॉन्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बायर को सैंपल आपने कुछ और दिखाया था और जब आपने उसको डिलीवर किया है गुड्स, उसको पैक करके दिए, तो वो कुछ और क्वालिटी के या किसी और डायमेंशन के निकले। तो जो भी गुड्स की सेलिंग है वो सेलर उस सैंपल के करस्पॉन्ड होनी चाहिए। अब इसी पॉइंट में एक चीज़ और कही जाती है कि जो बायर है सेलर को इसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपने जो गुड्स उसने परचेज किए हैं उनको वो कंपेयर कर सके जो भी सैंपल था उसके साथ। यानी कि आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी है कि देख लो भैया, जो सैंपल मैंने आपको दिखाया था और जो गुड्स मैं आपको दे रहा हूँ वो दोनों सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे सेलर को उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी है, और जो गुड्स वो सेल कर रहा है उनमें कोई हिडन डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि उनमें कोई लेटेंट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो कई बार सैंपल में तो कोई डिफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो गुड्स पैक करके हमें दिए जाते हैं उन गुड्स में कोई छुपा हुआ एक ऐसा इफेक्ट होता है, कुछ हिडन डिफेक्ट होता है, जो कि अगर बायर उनको चेक भी करता है तो उसे पता नहीं चलता। तो ऐसा कोई हिडन जो है वो डिफेक्ट नहीं होना चाहिए उन गुड्स में। और अगर मान लीजिए जो डिफेक्ट है वो पेटेंट है, यानी कि वो क्लियरली विजिबल है बायर को, और बायर ने देखा कि ये जो मैं लेके जा रहा हूँ ये तो ख़राब सामान है, इसमें तो डिफेक्ट है, उसने इंस्पेक्ट कर लिया लेकिन फिर भी बायर उन गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर यहाँ पे कोई भी ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि बायर जानबूझ के वो डिफेक्टिव जो सामान है उसको अपनी मर्जी से लेके जा रहा है। तो फिर बाद में आके वो ये नहीं कह सकता कि सर आपने जो है वो मुझे, मेरी जो कंडीशन है उसकी ब्रीच हुई है, आपने मुझे दिखाया कुछ था और मुझे सेल कुछ किया है। तो ये कंडीशन जो है वो तभी एप्लीकेबल होगी जब आपने बायर को जो है वो सेम सैंपल का सामान देना है और उसे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो सैंपल को मैच कर सकता है अपने गुड्स के साथ, और तीसरा कि जो गुड्स हैं उनमें कोई हिडन डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई लेटेंट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, यानी कि जब सेलर गुड्स को सेल करता है डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग भी और सैंपल के अकॉर्डिंग भी। तो फॉर एग्जाम्पल सेलर ने बोला कि देखो ये मेरे पास जो है कश्मीरी लाल मिर्च है, तो उसने मुझे गुड्स को कैसे डिस्क्राइब किया कि ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और उसने मुझे सैंपल दिखाया किसी और चीज़ का, यानी कि जब वो मुझे लाल मिर्च का सैंपल दिखा रहा है तो उसने मुझे किसी और चीज़ का सैंपल दिखाया। अब जब उसने मुझे गुड्स पैक करके दिए तो वो सैंपल से तो मेल खाते, यानी कि दे करस्पॉन्ड टू द सैंपल, सैंपल के जैसे ही गुड्स है वो, लेकिन जो उसने डिस्क्राइब किया था वो उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है। अब उसने मुझे कश्मीरी लाल मिर्च बोल के दिखाया था लेकिन वो कश्मीरी लाल मिर्च तो नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे जो है हमारी ब्रीच हो जाएगी कंडीशन, और बायर उन गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है और अपना प्राइस क्लेम कर सकता है। तो जो भी गुड्स बायर परचेज करता है वो सैंपल के अकॉर्डिंग भी होने चाहिए और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी, यानी कि अगर कोई बायर किन्हीं गुड्स को परचेज करता है तो यहाँ पे लॉ कहता है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो गुड्स बायर की रिक्वायरमेंट को सूट करेंगे। जिस पर्पज़ के लिए उसने उन गुड्स को परचेज किया है, क्या वो गुड्स उस पर्टिकुलर पर्पज़ को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसी कोई इम्प्लाइड कंडीशन हम सेलर के ऊपर नहीं लगाते। यानी कि यहाँ पे जो लॉ एप्लीकेबल होता है, जो प्रिंसिपल लगता है, दैट इज़ द कैवियट एम्प्टर, जिसका मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर। यानी कि जब कोई बायर गुड्स को परचेज करता है तो उसे अपने खुद स्किल एंड नॉलेज, अपना जजमेंट यूज़ करना चाहिए कि क्या जो गुड्स वो परचेज कर रहा है वो उस पर्पस को सेटिस्फाई करेंगे जिनके लिए गुड्स को लिया जा रहा है। तो यहाँ पे कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती है सेलर के ऊपर एज टू द फिटनेस और क्वालिटी। लेकिन लॉ कहता है कि अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है
तो फिर हम यहाँ पे सेलर के ऊपर एक इम्प्लाइड कंडीशन लगा देंगे कि क्या जो गुड्स बायर लेके जा रहा है वो गुड्स उसके पर्टिकुलर पर्पस को फिट करते हैं कि नहीं करते। तो उसमें से सबसे पहली कंडीशन है जहाँ पे बायर ने एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली अपना जो पर्पस है गुड्स को परचेज करने का वो सेलर को बताया है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन है कि पर्पस इज़ नोन टू द सेलर। सेकेंड है जहाँ पे बायर ने सेलर के जजमेंट और स्किल पे रिलाई किया है, यानी कि सेलर जब खुद बोलता है कि सर मेरी गारंटी आप लेके जाओ, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यानी कि जहाँ पे बायर ने खुद अपना नॉलेज यूज़ नहीं किया लेकिन सेलर के नॉलेज एंड स्किल पे जो है वो रिलाई किया है। और थर्ड कंडीशन है जहाँ पे जो गुड्स हैं जो बायर जिन गुड्स को परचेज कर रहा है उन्हीं गुड्स में जो सेलर है वो डील करता है, या तो वो उन गुड्स का मैन्युफैक्चरर है या फिर वो उनका ट्रेडर है, तो सेलर जो है वो उन गुड्स में डील करना होना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर यहाँ पे हम सेलर के ऊपर इम्प्लाइड कंडीशन लगा देंगे कि अगर वो पर्पस मतलब अगर वो गुड्स जो है वो बायर को सेटिस्फाई नहीं करते, उसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते, तो फिर यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा। लेकिन अगर जो गुड्स हैं वो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज़ होते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि यहाँ पे बायर को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस पर्पस के लिए गुड्स को लेना चाहता है, तो पर्पस जो है वो ऑटोमेटिकली वही होगा जिसके लिए वो यूज़ होते हैं। तो अगर गुड्स एक ही पर्पस के लिए यूज़ होते हैं तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि बायर सेलर को पर्पस बताएगा, तो ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि पर्पस इज़ ऑलरेडी नोन टू द सेलर। अब देखिए यहाँ पे केस लॉ आता है प्रीस्ट वर्सेस लास्ट का। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्सन होता है जो कि केमिस्ट शॉप पे जाता है और बोलता है कि सर मुझे ना एक हॉट वाटर बॉटल दिखाइए। तो केमिस्ट उसे एक अमेरिकन की रबड़ बॉटल दिखाता है और कहता है कि सर ये जो है ना इसमें बॉइलिंग वाटर नहीं रुकता लेकिन इसमें हॉट वाटर के लिए बहुत अच्छी बॉटल है। अब ए उस बॉटल को परचेज कर लेता है और कुछ दिन बाद जब उसकी वाइफ उस बॉटल को यूज़ करती है तो वो बर्स्ट हो जाती है, यानी कि बॉटल फट जाती है। अब जब वो बॉटल फट जाती है तो उसकी जो वाइफ होती है उसे काफ़ी सारी इंजरी आ जाती है। तो यहाँ पे जो है जो सेलर है उसको पर्पस पता था कि जो बॉटल है वो तो एक ही पर्पस के लिए यूज़ होती है ना कि उसमें हॉट वाटर रखा जाए, तो पर्पस वाज ऑलरेडी नोन टू द सेलर। और बायर ने सेलर के जजमेंट और स्किल पे जो था वो ट्रस्ट किया था, रिलाई किया था, और जो केमिस्ट है वो उस शॉप उस बॉटल्स में डील भी करता है। तो क्योंकि हमारी तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ पे जो सेलर है तो यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन सेलर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी कि जो गुड्स उसने दिए हैं बायर को वो उस बायर के पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल होने चाहिए, उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो यहाँ पे सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल और बायर अपने कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट तो कर ही सकता है, साथ साथ जो भी इंजरी का लॉस या डैमेज हुआ है वो भी वो सेलर से क्लेम कर सकता है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जब बायर गुड्स को परचेज करता है तो वो किसी पर्टिकुलर ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट नेम का परचेज करता है, यानी कि यहाँ पे बायर सेलर के जजमेंट को यूज़ नहीं कर रहा लेकिन वो कहता है कि मुझे इसी ब्रांड के गुड्स चाहिए। जैसे कि अगर हम सिलाई मशीन की बात करें, स्विंग मशीन की, तो वो कहता है उषा की चाहिए। मिक्सर ग्राइंडर की बात करें तो वो सुजाता की बात करता है, या फिर अगर हम बाइक की बात करें तो वो होंडा कहता है। तो यानी कि यहाँ पे बायर जो है वो सेलर के जजमेंट और उसके स्किल पे रिलाई नहीं कर रहा लेकिन वो खुद ही अपनी मर्जी से उन गुड्स को परचेज कर रहा है। तो अगर बायर अपनी मर्जी से किसी ब्रांड नेम को चूज़ करता है या किसी पर्टिकुलर पेटेंट नेम को चूज़ करता है तो फिर यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है फिटनेस वाली ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बायर ने अपना ही जजमेंट यूज़ किया है, उसने उस ब्रांड पे ट्रस्ट किया है, सेलर पे ट्रस्ट नहीं किया, उसने उस ब्रांड के ओनर पे ट्रस्ट किया है कि ये जो कंपनी है ये अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो यहाँ पे कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है सेलर के ऊपर कि क्या वो पर्टिकुलर पर्पस को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। देखिए मर्चेंटेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसे गुड्स की कंडीशन या क्वालिटी जिसमें कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मैन, यानी कि एक एवरेज नॉलेज का मैन भी जो है उन गुड्स को उन कंडीशंस में एक्सेप्ट कर ले। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कपड़ा लेने जाते हैं, कोई क्लोथ्स मार्केट से परचेज करने जाते हैं और उसको जो है वो सारा कुतरा हुआ है किसी चीटी वगैरह ने, उसके ऊपर चीटियाँ आ रखी हैं, तो क्या हम उन गुड्स को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। तो यानी कि अगर जिन गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं वो सूटेबल होने चाहिए, वो मर्चेंटेबल होने चाहिए कि एक नॉर्मल पर्सन भी उन गुड्स को एक्सेप्ट कर ले, इसी को हम बोलते हैं मर्चेंटेबल क्वालिटी। अब देखिए ये इम्प्लाइड कंडीशन क्या कहती है कि जब भी सेलर गुड्स को सेल करता है डिस्क्राइब करके, यानी कि उसने बताया कि ये जो गुड्स है इस डिस्क्रिप्शन के हैं, इस साइज़ के हैं, इस डायमेंशन के हैं, इस क्वालिटी के हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन को तो करस्पॉन्ड करना ही चाहिए लेकिन उन गुड्स की जो कंडीशन है वो भी मर्चेंटेबल होनी चाहिए, यानी कि एक नॉर्मल पर्सन जो है उन गुड्स को उन कंडीशन में एक्सेप्ट कर ले, ऐसी भी उनकी क्वालिटी होनी चाहिए। अब ये जो कंडीशन है ये तभी सेटिस्फाई होगी जब हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। पहला
कि जो सेलर है वो उन गुड्स में डीलर होना चाहिए, या तो वो उनका मैन्युफैक्चरर हो, और अगर वो मैन्युफैक्चरर नहीं करता तो वो उनमें ट्रेड करता हो, तो ही शुड बी अ डीलर। सेकेंड कंडीशन है कि बायर को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जानी चाहिए कि वो गुड्स को जो है वो अच्छे से रीजनेबली एग्जामिन कर सके, और अगर वो गुड्स को रीजनेबली एग्जामिन करता है तो उन गुड्स में कोई हिडन जो है वो डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई लेटेंट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जो कि बायर को ऑर्डिनरी दिखे ना। तो अगर कोई ऐसा डिफेक्ट होता है तो फिर यहाँ पे सेलर पे इम्प्लाइड कंडीशन लग जाएगी कि जो गुड्स है वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, और अगर वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के नहीं होते तो फिर यहाँ पे बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है और अपना जितना भी पेमेंट किया है उसे रिफंड क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सेलर ने बायर को अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप गुड्स को चेक कर लो कि आपको सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, और बायर ने उन गुड्स को चेक भी किया और जो उसमें डिफेक्ट था वो पेटेंट था, यानी कि आपको क्लियरली विजिबल हो जाता, अगर आप सही से उसको एग्जामिन करते तो आपको दिख जाता कि जो शर्ट है यहाँ से फटी हुई है, या फिर जो इसका कॉलर है ये ख़राब हो रखा है, या इसके ऊपर कोई कलर उतरा हुआ है, तो यानी कि अगर आप सही से उन गुड्स को एग्जामिन करोगे तो आपको वो डिफेक्ट दिख जाएगा। तो अगर ऐसा डिफेक्ट है जो कि विजिबल है तो फिर यहाँ पे सेलर के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, एक बार बायर उन गुड्स को परचेज कर लेता है तो फिर वापस वो उनको रिटर्न नहीं कर सकता, उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो कंडीशन आपने डिस्क्राइब की है गुड्स की वैसी होनी चाहिए, सेलर उन गुड्स में डील करता हुआ होना चाहिए, और बायर को आपने अपॉर्चुनिटी नहीं देनी कि गुड्स को एग्जामिन करें, और अगर आपने बायर को अपॉर्चुनिटी दी है तो उसमें कोई लेटेंट डिफेक्ट होना चाहिए, यानी कि उसमें लेटेंट डिफेक्ट होगा तभी जो बायर है उन गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन आ जाएगी सेलर के ऊपर। अब इस कंडीशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। तो एक पर्सन है जो कि मार्केट से कुछ शर्ट खरीद के लाता है अपने लिए, और उसे देखने में कोई भी डिफेक्ट उस शर्ट में नज़र नहीं आता, लेकिन 3-4 दिन बाद जब वो शर्ट को वियर करता है तो उस शर्ट में कोई केमिकल ऐसा होता है जिसकी वजह से एक ही जो पूरी स्किन है उस पे कोई डिसीज़, उसे कोई बीमारी हो जाती है, यानी कि उसकी स्किन पे पूरे रैशेज वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन थी एज टू द मर्चेंटेबिलिटी वो ब्रोक हो गई, क्योंकि गुड्स जो है वो उनमें कोई लेटेंट डिफेक्ट है, यानी कि ऐसा डिफेक्ट था जो कि विजिबल नहीं था बायर को गुड्स को चेक करने पर। तो अगर ऐसा कोई डिफेक्ट होता है गुड्स में जो कि विजिबल नहीं होता तो यहाँ पे कंडीशन जो है हमारी मर्चेंटेबिलिटी की ब्रोक हो जाती है, और यहाँ पे ए के पास राइट आ जाएगा कि वो गुड्स को रेपुडिएट रिजेक्ट कर सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करके अपना जो भी उसने पेमेंट किया है वो प्लस जो भी उसको इंजरी हुई है, जो भी डिसीज़ हुई है, उसका भी वो क्लेम सेलर से कर सकता है। लास्ट इम्प्लाइड कंडीशन है कंडीशन एज टू होलसमनेस। अब देखिए ये कंडीशन जो है ये एप्लीकेबल होती है जब हम कोई इटेबल्स की बात करते हैं, या जब हम कोई फूड स्टफ की बात करते हैं, यानी कि जब हम कोई खाने की चीज़ों की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो होलसमनेस की एप्लीकेबल होती है। और होलसमनेस का मतलब होता है कि गुड फॉर कंज्यूमन कंजम्पशन, यानी कि जब उसे ह्यूमंस कंज्यूम करें उन इटेबल्स को तो उनके कंजम्पशन के लिए वो फिट होना चाहिए, गुड होना चाहिए। अब लॉ यहाँ पे कहता है कि अगर कोई पर्सन गुड्स को परचेज करता है जो कि इटेबल्स हैं तो वो उसके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट होने चाहिए, यानी कि उसमें कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उनको अनफिट रहे, उनको हार्म करे। अब देखिए इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। अमित एक पर्सन है जो कि मार्केट से मिल्क परचेज करके लाता है, जो कि मिल्क जो है वो कंटामिनेटेड होता है, यानी कि उसमें टाइफाइड के जर्म्स होते हैं। जैसे ही अमित उस मिल्क को कंज्यूम करता है तो उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। तो यहाँ पे जो वाइफ है अमित की वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है, क्योंकि जो मिल्क था वो होलसमनेस नहीं था, यानी कि उस वो फिट नहीं था ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो जो भी सेलर से वो मिल्क परचेज किया था यहाँ पे उसने जो कंडीशन है होलसमनेस की उसको ब्रेक किया है, और यहाँ पे जो पर्सन है वो लाइबल, वो उसके पास राइट है कि वो उस सेलर से अपने डैमेजेस तो क्लेम करेगा ही, लेकिन जो भी अमाउंट उसने पे किया है उसका रिफंड भी क्लेम कर सकता है। अभी तो हमने बात की 7 इम्प्लाइड कंडीशंस की, अब हम बात करते हैं इम्प्लाइड वारंटीज कौन कौन सी होती। फर्स्ट वारंटी है वारंटी ऑफ क्वाइट पोसेशन, यानी कि लॉ कहता है कि अगर कोई भी पर्सन गुड्स को परचेज करता है तो यहाँ पे बायर के पास एक राइट है कि वो उसका क्वाइट पोसेशन जो है वो इंजॉय कर सके, यानी कि कोई भी पर्सन आके ये ना कहे कि ये गुड्स तो मेरे हैं। अगर आप कोई वॉशिंग मशीन परचेज करके लाते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी परचेज करके लाते हैं, और कोई भी पर्सन आके ये क्लेम करे कि अरे ये गुड्स तो मेरे हैं, ये कार तो मेरी है, तुम्हारे पास कैसे आई, तो यानी कि हमारा, यानी कि जो बायर है उसका जो पोजेशन है वो डिस्टर्ब हो गया, किसी ने आके उसका इंटरफेयर किया कि ये गुड्स तो मेरे हैं।
तो जो पोजेशन वो इंजॉय कर रहा था उन गुड्स का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे जो वारंटी है, इम्प्लाइड वारंटी, वो ये है कि कोई भी पर्सन आके ये क्लेम ना करे कि ये गुड्स उसके हैं। अगर वो ऐसा क्लेम करता है तो यहाँ पे जो वारंटी है क्वाइट पोजेशन की, वो ब्रेक हो जाएगी। और अगर कोई, मान लीजिए कोई पर्सन आके बोलता है कि ये गुड्स मेरे हैं, तो यहाँ पे बायर लाइबल हो जाएगा उन गुड्स को रिटर्न करने के लिए, क्योंकि गुड्स जो हैं वो किसके होंगे, वो गुड्स उस ट्रू ओनर के होंगे। तो बायर की लाइबिलिटी है कि वो गुड्स को रिटर्न करे टू द ट्रू ओनर, और जो भी अमाउंट उसने पे किया था टू द फेक सेलर, वो उसे क्लेम कर सकता है उस सेलर से। और प्लस जो भी उसे डैमेज या लॉस उसने सफ़र किया है, या जो भी एक्सपेंस उसने उन गुड्स के ऊपर इनकर किया था अभी तक, वो उन एक्सपेंसेस को भी रिकवर कर सकता है फ्रॉम द सेलर। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि एक लेडी होती है, वो एक पर्सन से सेकेंड हैंड टाइपराइटर परचेज करती है। उसे परचेज करने के बाद वो उसकी कुछ रिपेयरिंग के एक्सपेंस इनकर करती है उस टाइपराइटर के ऊपर, और उसे काफ़ी मंथ तक यूज़ कर रही होती है। तो एक दिन उसका ट्रू ओनर आता है उस टाइपराइटर का, और उस लेडी को बोलता है कि ये टाइपराइटर तो मेरा है, आपके पास कैसे आया। तो यानी कि जो लेडी है, अब उसे क्या करना पड़ेगा कि उस टाइपराइटर को उस ट्रू ओनर को रिटर्न करना पड़ेगा। और जो भी उसने अमाउंट इनकर किया था, यानी कि उसकी जो कॉस्ट थी प्लस जो भी उसने रिपेयरिंग के एक्सपेंसेस इनकर किए थे उस टाइपराइटर के ऊपर, वो इन दोनों अमाउंट को क्लेम कर सकती है फ्रॉम दी सेलर। सो दिस इज़ द इम्प्लाइड वारंटी कि कोई भी पर्सन किसी के गुड्स का जो पोजेशन है वो उसको डिस्टर्ब ना करे। सेकेंड वारंटी है वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेस। अब ये कंडीशन वारंटी कहती है कि जब भी सेलर गुड्स को सेल करता है तो उनके ऊपर किसी भी थर्ड पर्सन का कोई इनकम्ब्रेंस यानी कि कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। वो गुड्स किसी और के पास ऑलरेडी गिरवी नहीं होने चाहिए। और अगर आपने किसी के पास वो गुड्स को गिरवी रखा था, तो आपको ये बात जो है वो बायर को बतानी पड़ेगी कि ऑलरेडी मैंने जो गुड्स हैं इनको प्लेज कर रखा है, इन गुड्स के ऊपर किसी और का चार्ज है। अगर सेलर ऐसा नहीं करता, यानी कि उसने किसी के पास उन गुड्स को गिरवी रखा है, किसी और के पास उन गुड्स का चार्ज है, और वो बायर को ये गुड्स सेल कर देता है, तो उसे ये बात बतानी पड़ेगी कि इनके ऊपर किसी और का चार्ज है। अगर वो ये बात नहीं बताता और बायर के पास जो प्लेजी है वो आके बोलते हैं कि ये गुड्स तो मेरे पास गिरवी थे, इनका चार्ज तो मेरे पास है, तुम कैसे यूज़ कर रहे हो, तो बायर जो है अगर उस पैसे को रिफंड कर देता है कि ठीक है आपका कितना चार्ज है इन गुड्स के ऊपर, उसने कहा 10,000, तो बायर 10,000 रुपीज़ उस पर्सन को दे देता है। तो यहाँ पे बायर के पास राइट है कि वो ब्रीच ऑफ वारंटी मानकर सेलर से उन अमाउंट को रिकवर कर सकता है। तो यानी कि हमने क्या बोला कि जो भी गुड्स सेलर सेल करता है बायर को, उनके ऊपर किसी का चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर चार्ज है तो आप बायर को बता दो कि देखो ये चार्ज है इन गुड्स के ऊपर। और अगर आप ये चार्ज नहीं बताते, इन्फॉर्मेशन नहीं देते बायर को, तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ वारंटी हो जाएगा। और जो भी अमाउंट बायर पे करता है उस प्लेजी को, तो यहाँ पे बायर के पास राइट है कि वो सारा अमाउंट जो है वो सेलर से क्लेम कर सकता है। लास्ट वारंटी है वारंटी ऑफ डिस्क्लोजिंग द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स टू द इग्नोरेंट बायर। अब ये वारंटी कहती है कि जब भी सेलर किसी डेंजरस नेचर के गुड्स को सेल करता है किसी बायर को, तो उन्हें हमेशा एक वार्निंग देनी चाहिए बायर को कि देखो जो गुड्स आप परचेज कर रहे हो इनका नेचर बहुत डेंजरस है और आपको इनको बहुत ध्यान से हैंडल करना है। अगर सेलर ऐसा नहीं करता, वो बायर को इन्फॉर्मेशन नहीं देता अबाउट द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स, और कोई भी इंजरी बायर को सफ़र करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है, तो यहाँ पे जो वारंटी है उसकी ब्रीच मानी जाएगी और बायर जो है वो सेलर को स्यू कर सकता है फॉर द डैमेजेस कि मुझे डैमेजेस पे करो जो भी मुझे इंजरी सफ़र करनी पड़ी है। तो सेलर की हमेशा कंडीशन रहे, इम्प्लाइड वारंटी रहेगी कि जब भी आप डेंजरस नेचर के गुड्स सेल करते हो, तो हमेशा आपको एक जो है डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, एक इंटीमेशन देना पड़ेगा बायर को उन डेंजरस नेचर के गुड्स का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्प्लाइड कंडीशंस एंड द इम्प्लाइड वारंटीज़।